हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैनकन स्कर्ट बनाते हैं। इसके लिए हमने एक ही येलो कलर ऑरेंज कलर की पेटीकोट ली है और इसी पेटीकोट से हमें बनाना है। वैसे आपको अगर बनाना है तो इसके लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए और 2 मीटर आपको कैनकन का भी कपड़ा चाहिए। इसके लिए मैंने स्कर्ट को सबसे पहले खोल रखा है जहाँ से सिलाई लगी थी इसकी, और इसको खोलने के बाद मैंने कैनकन को सबसे पहले डिवाइड किया है इक्वल हिस्से में, 2 पार्ट्स में। और आपको ये देख लेना है कि आपके साइज क्या है, आप अपने साइज के हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2 हिस्से में कर लिया। अब इन दोनों को आपस में हम पहले अटैच करेंगे, तो उसके लिए हम इसे सिलाई मशीन पर लगाते हैं और हम इसे सिलते हैं। वैसे ये स्कर्ट मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया था, तो उनको इसी कलर में चाहिए था इसलिए बनाया। आप चाहें तो वाइट कलर में भी बना सकते हैं, और ज़्यादातर वाइट में बनाने से ये होगा कि आप उसे किसी भी ड्रेस पर अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। और उनको इसी में चाहिए था तो कोई नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कैसा। अब ये दोनों ही कैनकन मैंने अटैच कर लिया। अब स्कर्ट को मैंने फैला दिया है और स्कर्ट पर हमें सबसे पहले मार्क कर लेना है कि हमारा कैनकन की हाइट कितनी है। तो जितना हमें ऊपर तक कैनकन चाहिए उस हिसाब से मैंने कैनकन को ऊपर स्कर्ट के ऊपर रखते हुए मैंने पूरा पेंसिल से मार्क कर लिया है। और चारों तरफ मार्क करने के बाद मैंने, तो इस तरह देख लीजिए, ऐसे ही आप भी मार्क कर लीजिए। चारों तरफ मैंने इसमें मार्क लगा दिया है। अब क्या होगा, जब मैं सिलाई करूँगी तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसमें लाइन लगा रखी है, तो उसी लाइन के ऊपर मैं इसे अब अटैच करके सिलाई लगाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इस हिसाब से मैंने लगाया है। अब मैं इस स्कर्ट के साथ मशीन लेती हूँ और स्कर्ट के साथ इसे अटैच करके इक्वली, और ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रिल कितना चाहते हो। कुछ लोग 2 मीटर का भी बनाते हैं और कुछ 3 का बनाओगे तो वो आपका थोड़ा ज़्यादा वो फ्लेयर होगा, थोड़ा ज़्यादा फ्लफी होगा। और अगर आप 2 का बनाते हो तो वो आपका अच्छा बनाएगा आपके स्कर्ट को पूरा, मतलब जो भी लहंगा है आपका उसको पूरा घेर ऊपर तक उठा कर देगा। ये भी सही है, और वैसे लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो मैंने देखिए कितनी बड़ी बड़ी चूनट डालकर पहले मैंने इसको डिवाइड कर लिया था इक्वली, और अब मैं इसमें इतनी बड़ी बड़ी चूनट डालकर और ये सिलाई कर रही हूँ। तो इससे क्या हुआ, मैंने वो लाइन जो पहले खींच रखी थी तो उस लाइन से अब मुझे दिक्कत नहीं आ रही है, और मैंने पूरी सिलाई एक साथ, देखिए कैनकन को उसी लाइन पर जोड़ते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब ये कैनकन स्कर्ट में पूरा अटैच हो गया। अब जो मैंने स्कर्ट का मीन्स पेटीकोट का जो हिस्सा खोला था उसको कैनकन के साथ अटैच करूँगी साइड से। तो ये मैंने सिलाई शुरू कर दी है और साइड से मैंने इसको अटैच करना शुरू कर दिया है। हाँ, तो इस तरह से ये मेरा साइड की सिलाई भी हो गई। और ये बहुत ही आसान है, आप इसे घर पर आराम से बना सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है तो। तो इस तरह से हमारा ये कैनकन स्कर्ट के साथ अटैच हो। तो ये हमारी सिलाई पूरी हो गई। अब हमें स्कर्ट को सीधा करके, सबसे पहले जो मैंने उस पर कैनकन पर एक ही सिलाई लगाई है तो उसको अच्छे से वो बैठ जाए सिलाई, इसलिए मुझे क्या करना है, उसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है। जहाँ पर कैनकन स्कर्ट से अटैच किया है मैं उसको सुलाकर और फिर से उसके ऊपर देखिए इस तरह से डबल सिलाई लगाऊंगी, जिससे क्या होगा स्कर्ट के साथ मीन्स आपके पेटीकोट के साथ ये कैनकन अच्छी तरह से अटैच हो जाएगा, और नहीं तो वो बिल्कुल अजीब तरह से फुला फुला सा ऊपर रहेगा, और ये क्या होगा एक वे में आपका आएगा और अच्छी तरह से ये उठा रहेगा। तो ये मैंने अब सिलाई शुरू कर दी है।
और इस तरह से हमारी सिलाई पूरी हो गई और ये स्कर्ट हमारा बनकर तैयार है। ये देखिए मैंने इसे बेड पर रखा हुआ है। हाँ, ये इस तरह से स्कर्ट हमारा बनकर तैयार है। अब इसके ऊपर आप लहंगे के नीचे आराम से पहन सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।